रणबीर, तो सबसे पहले ये बताइए, आज आप प्यार का दर्द के सेट पे एक सरप्राइज दिया है आपने, तो धमाकेदार एंट्री हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं बहुत खुश हूँ कि यू नो राजश्री ने मुझे शो पर इनवाइट किया. ये बहुत ही पॉपुलर शो है. नकुल एंड दिशा अमेजिंगली यू नो यंग टैलेंटेड पीपल, एंड टू इंटरेक्ट विद देम, अगर आप फिल्म भी देखोगे ये जवानी है दीवानी, इनके कैरेक्टर्स मेरे और नैना जो दीपिका प्ले अदा कर रही है उनके कैरेक्टर्स से मिलते जुलते हैं. एंड आई थिंक बहुत ही स्वीट स्क्रिप्ट था. इट वॉज अमेजिंग टू वर्क विद नकुल एंड दिशा, एंड आई एम रियली हैप्पी कि यू नो इन्होंने मुझे बुलाया और इस एपिसोड का आधार किया. पंकुड़ी, इससे बेटर बर्थडे सरप्राइज और गिफ्ट हो नहीं सकता था. ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं हो सकता था. आई एम वेरी हैप्पी दैट रणबीर केम ऑन आवर सेट एंड ही शूटिंग विद अस. इट वाज रियली ग्रेट वर्किंग विद यू, सीरियसली. प्लेजर वाज ऑल माइन. अदिति, क्या ये आपका आइडिया था कि पंकुड़ी को उनके बर्थडे में इतना बड़ा सरप्राइज देना है? इनफैक्ट ये आइडिया मेरा नहीं था, ये आइडिया बनी का ही था. And he said that you know we should have the birthday party done like this, so we said let's do it. बहुत पुराना दोस्त है और बहुत confused भी हो चुका था, तो मतलब इतनी तो मदद कर सकता हूँ. उसकी बीवी का पहला birthday, so पहली बीवी का पहला birthday. पता नहीं कितने आने वाले हैं. मेरा एक्चुअली बलम पिचकारी मुझे बहुत पसंद है. बदतमीज क्या है कि अभी इतना कुछ सुन लिया, अभी मैं पक चुका हूँ. जा भी जाता हूँ वही गाना बजते रहता है आजकल. बट आई थिंक मेरा एक और फेवरेट गाना है वो इलाही. वो उसका प्रोमो अभी तक कटा नहीं है, लेकिन म्यूजिक एल्बम है, फिल्म में आप देखोगे, वो मेरा फेवरेट. एंड दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, दिल्ली वाली भी अच्छा है, बट मेरा फेवरेट इलाही. दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का एक स्टेप तो आप एक स्टेप साथ में कर रहे हैं, बनता है आपको. आजा मैं सिखा देता हूं. हां जी, दिल्ली वाली का गाना बजा दे. गाना बजा दो. गाना घूम लेके बैठ जाओ. ये ऐसा पियानो सॉन्ग. देखिए मैडम जी, मैंने किसी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ा है. गाने क्या बोल है, आप ऐसा बोलती हो बाद में बिल मेरा पड़ता है. तो प्लीज़ ऐसी अफवाह मत फैलाएं. मुझे पता नहीं अगर नकुल ने किसी दिल्ली वाली या बेंगलोर वाली या दिल्ली वाली तक तो अभी मौका मिला नहीं. मुंबई वाली ना, मुझे ऐसी कोई फिल्म ऑफर हुई नहीं है. ये ज़्यादातर क्या है कि हम सब दोस्त हैं और लोग समझते कि अगर हम मिल रहे हैं तो एक फिल्म की बात चल रही है, बट ऐसी कोई फिल्म थी नहीं. मैं फिलहाल सिर्फ बेशरम के बाद बॉम्बे वेलवेट कर रहा हूँ और फिर इम्तियाज अली की अगली फिल्म कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.